तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम एक मैंगो यानी कि एक आम बना सके मिट्टी से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मिट्टी से एक बनाना यानी कि केला बना सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सुंदर तरीके से मैं बनाऊंगा। तो अगर आपने ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा पूरी देखिए, ताकि अगर आपको कभी बनाना बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो से वो बनाना बनाना सीख जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें पहले थोड़ी सी मिट्टी लेना पड़ेगा, और मिट्टी लेने के बाद जो हम केला यानी कि बनाना बनाएंगे उसके लिए जैसा केला होता है वैसे ही इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब केला होता है थोड़ी सी लंबी सी, तो वैसे ही लंबी सी बना के उसको थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, यानी कि जैसे केला होता है थोड़ी सी मुड़ा कर वैसा मुड़ना पड़ेगा। और उसके बाद केला का जो यानी कि ऊपरी का हिस्सा है जिसको हम बोटा बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत ही अच्छी तरह से पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसा मैंने जो जैसे बना रहा हूँ वैसा आपको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेगा तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे पहले आप मतलब केला जैसे जैसे होता है वैसे पहले पूरा आपको मिट्टी से बना लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ इसको दो स्टेप में कंप्लीट कर रहा हूँ, एक है मेजरमेंट और दूसरा है क्लीनिंग। ठीक है, तो पहले मैं मिट्टियों से केला का मेजरमेंट कर लिया हूँ, जैसे कि केला होता है लंबा सा, ठीक है, थोड़ा सा मुड़कर, और जैसे कि ऊपर का हिस्सा है नीचे का हिस्सा है, यानी कि ये जो सब है ये सब कुछ पहले मैंने मेजरमेंट कर लिया केले जैसा। और उसके बाद जब मेजरमेंट मेरा हो गया उसके बाद मैंने इसको क्लीनिंग कर लगा। ठीक है, तो क्लीनिंग करने लगा, क्लीनिंग बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है, मेजरमेंट भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना अच्छा मेजरमेंट करोगे उतना ही अच्छा आपको जो आप काम कर रहे हो जो ही आप बना रहे हो, अगर उसका मेजरमेंट अच्छा है तो आप क्लीन करके भी क्लीन करने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट, आपको अब आप जो बनाएंगे उसका मेजरमेंट अच्छी तरह से करना होगा, उसके बाद आता है क्लीनिंग। अगर आपको मेजरमेंट अच्छी हो तो क्लीनिंग भी आपको अच्छी हो जाएगी, और क्लीनिंग करने के बाद जो आप बना रहे हो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो केला बनाया उसका पहले मेजरमेंट अच्छे तरह से मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो क्लीनिंग करने के लिए जो मैंने जो लकड़ी का टुकड़ा यूज़ किया उसको हम सियारी बोलते हैं, वो भी मैं आप एक दिन दिखाऊंगा कि कैसे उसको बनाते हैं। बस कुछ नहीं, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा लेना पड़ता है और उसको पॉलिश करके उसको बहुत ही मतलब ईजी बनाना पड़ता है, जैसे कि अगर उस लकड़ी को मिट्टी के ऊपर चलाया जाए तो मिट्टी में कोई भी दाग नहीं होगा, मतलब ऐसा करके उस लकड़ी के टुकड़े बनाए। तो उसको भी मैंने एक दिन दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने क्लीन कर दिया, आप मेरा केला जो है तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका का है प्रोसेस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, एक बहुत ही सिंपल का प्रोसेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। ठीक है, और अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई देकर आपको ज़रूर बता दूंगा। और अगर फिर भी उससे भी कोई पर्सनल लाभ अगर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको आपके साथ पर्सनली मैं बात करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।